आप जी ने गुरु दरबार अंदर तुर बैठ इलाही वाणी का कीर्तन श्रवण किया। कीर्तन के द्वारा वाणी की महिमा विच भगत कबीर साहब का वचन पढ़िया गया। कबीर साहब आखते ने लोग जाने यह गीत है, लोग समझते ने बाणी साधारण या कोई गीत है, पर लोगों को यह नहीं पता कि तो ब्रह्म विचार यह बाणी ते ब्रह्म की विचार है। इतने बाणी परमेश्वर के घर की शिफत है, ये बाणी परमेश्वर के घर दियां बातां करती है। हुण इत्थे बाबा जी ने एक होर उदाहरण साडे नाल सांझी कीती। कहिंदे ज्यों काशी उपदेश होए मानस मरती बार। काशी विखे ना जिहड़ा कोई व्यक्ति मरदा है एक सुनेहा दिता जांदा है वी जिहड़ा काशी विखे मरेगा उहनूं मुक्ति प्राप्त होएगी, उह सिद्धा शिव जी दे घर जाएगा। हुण बाबा कबीर कहिंदे ने ये गल जिहड़ी है ना मरण मगरों होनी है। काशी का उपदेश दसदा है कि जिहड़ा व्यक्ति इत्थे मरदा है उहनूं मरण मगरों मुक्ति मिलनी है। ज्यों काशी उपदेश होए मानस मरती बार, पर मेरे सतगुरु की बाणी का उपदेश ऐसा है जिहड़ा जिउंदे जी मुक्त कर दिंदा। जिहड़ा बाणी दे उपदेश नूं कमा लैंदा है, उपदेश नाल जुड़ जांदा है, वो जिउंदे जी मुक्त हो जांदा है। वो मरण दे मगरों मिलण वाली मुक्ति ते विश्वास ही नहीं करदा, ख्याल रखना। उत्ते गल कहिंदा है दाता जे तुसां ने मरण तो बाद मैनूं मुक्ति दित्ती मेरे किस काम दी, मरे होए जे मुक्त दोगे मुक्त ना जाना कोई ला। जक बाणी का वचन है बेणी कह सुनो रे संतो मरण मुक्त किन पाई। भगत बेणी जी कहिंदे ने गुरमुखो ओ गुरु के सतसंगी सुनो मरण मगरों की गरंटी है भी बंदे नूं मुक्ति मिलनी मिलनी, ते जे बंदे नूं मुक्ति मिल भी गई ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇਖਣੀ ਕੀ ਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ। ਆਪ ਮੁਕਤ मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। हुण ये वर्तारा जिहड़ा है ना आप मुक्त मुक्त करे संसार केवल जिउंदे जी वापर सकदा, मरण मगरों नहीं वापरना, ख्याल रखना। तो ये बाणी की वडियाई है, ये बाणी दे उपदेश की महानता है। अज आप जी ने गुरु अर्जन साहब जी का परमेश्वर दी नानक सतगुरु की सिफत विच उच्चारण किया होया अठवां सवैया पाठ सुनिया। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1386 अते 87 अंग उपर छपायमान है। सतगुरु जी ने सवैये की शुरुआत सवालों तो की है, सवालों तो की सवाल ने पातशाह जी कर दे और उन्होंने सवालों का साढ़े जीवन की संबंध है, इतों आपने विचार आरंभ करनी। हजूर ने प्रमाण किया कवन जो कौन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिए। हुण एक गल का ख्याल करियो जी, गगा गगे नूं कन्ना ते अगे आ गया नन्ना, पर इनू असी पढ़ना ज्ञान है,
क्योंकि इन दोवां अखरां दे पैर दे विच लगा होया यही आ ठीक कैसे ढंग दे नाल सदा है सदे नूं कन्ना है अगे नन्ना है और इहदा असीं पाठ करना है ध्यान क्योंकि पैर दे विच यही है ठीक ऐसे ढंग दे नाल ऊड़ा है ससा है ते तत्ता है ते तत्ते नूं लगी है सिहारी पर इहदा पाठ असीं करना उस तत्त क्योंकि इहदे पैर दे थले अद्धा तत्ता भी लगा होया तो असीं पाठ की करना है जी कवन योग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस तत्त करिए हुण इह सवाल ने पहला सवाल की है जी कवन योग ओह किहड़ा योग है जिहनूं कमाउण दे नाल बंदा रब नाल जुड़ जाए ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਯੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਯੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84 ਇਹ ਪੀ ਕਰ ਕਰ ਰਹਿਆ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਹਰ ਥਿਉਂ ਸੰਗ ਨਾ ਗਹਿਆ ਯੋਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਯੋਗ ਦੇ ਆਸਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ ਇਹ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਹ ਹੀ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਬੈਠੋ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਵਨ ਵਿਦ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ ਦਾਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤ ਹੈ ਚਾਰ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਵੇਦ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਪਰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਭੇਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹਾਂ
अच्छा एक गल आप जपजी की बाणी हर रोज पढ़ते हैं, देखो कमाल की बात, जपजी की बाणी विच असी हर रोज पढ़ने कि ब्रह्मा ने उस मालक का भेद नहीं पाया। अच्छा जे ब्रह्मा की गल आएगी फिर विष्णु ते महेश की भी आएगी, माफ करना, एक माई जुक्त व्याई तीन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी वाण, ओ देख है ओना नदर न आवे बहुता एह विदान। अच्छा थनकाद शेख गुण अंत ना पाए, सनका तो भाव है सनक आदक, ब्रह्मा दे चार पुत्र ने सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म ना जाना भगत कबीर जी का वचन है। इतने जो शेख शब्द आया है ना ये शेख वास्ते नहीं आया, जिमें बाबा फरीद साहब जी के नाम के अगे लगता है शेख फरीद, ये उन्होंने वास्ते नहीं आया, ये शेख तो भाव है शेष नाग, शेष नाग तो भाव है विशेष नाग। इस नाग की विशेषता यह है ये हजारां मूह वाला सप है जी, सहस फनी ये फन जिहड़े ने हजार ने, मनोत है नानक जी ने कहा ठीक है भाई जे तुसी मनदे हो भी आ एक सप है जिहदियां हजार जेबां ने, ठीक है दूजी गल तुसी ये भी कहिंदे हो आ जिहड़ा सप है ये हजार जेबां दे नाल परमेश्वर दे हजार नाम लैंदा, मन लिया हुण तुसी ये गल दा जवाब दिओ भी हजार जेबां नाल जपण वाला जिहड़ा शेख नाग है कि इन्हें परमेश्वर दा अंत पा लिया नहीं। दाता जी ने बाणिक वचन किया सहस फनी जपियो शेख नाग है हर जपत्या अंत ना पावेगो, भावें हजार जेबां नाल जप रहा है भावें नित नवा नाम लेके जप रहा है पर संगत जी उस मालक का उन्हें भेद नहीं जाने। हुण जिहड़े ब्रह्मा दे पुत्र ने ना सनक ते सनंद कुमार बई इन्हों का ध्यान और इन्हों की तपस्या बड़ी मशहूर है, इन्हों वर्गा ध्यान कोई ला नहीं सकता इन्हों वर्गी तपस्या कोई कर नहीं सकता, इस करके इन्हों का नाम आया इन्हों का जिक्र आया है और मालक जी ने वचन किया। इस तो पहला बाबा कबीर साहब जी ने भी कहा सनक सनंद महेश समाना शेख नाग तिरुअंतना जाना, कमलापत कबला नहीं जाना, हनुमान सर दर्द समाना, सुरपत नरपत नहीं बन जाना। जो दाता जी ने हुण वचन किया ये सारे जिहड़े नाम आए है ना जी ये पौराणिक व्यक्ति ने, फिर बेनती करदे हां ब्रह्मा दे सनकाद शेख गुण अंत ना पाए, ब्रह्मा ने सनक आदक ने और शेख नाग ने दाता तेरे गुणा का अंत नहीं पाया, तेरे गुण बहुते तेरे गुण ही बड़े ने। दूसरा गुण तो भाव है उपकार, मालक दे उपकार बड़े ने, बड़े उपकार क्योंकि मालक है ही उपकारी, मालक है ही उपकारी। फिर एक मैं बेनती होर करते हैं मालक पर उपकारी है और समुची मानवता दे जी जनता से पर उपकार करता है, पर साडे समाज दे विच कुछ ख्याल ऐसे प्रचलित किए ने कि जेड़ा इस व्यक्ति ते विश्वास लेके आएगा मालक उहदे ते ही कृपा करेगा दूजे ते नहीं।
जेड़ा इस तरीके नाल चलेगा मालक ने सिर्फ उसे ते ही कृपा करनी है, दूजे ते नहीं। जो तुसी नानक दे घर आओगे ते नानक ने ते बाणी च वचन कीता सतगुर सबना दा भला मनाएगा, सब दा ही भला करदा सतगुरु। ते ख्याल रखियो जी, सतगुरु भला करन लग्या किसी की जात नहीं वेखदा, किसी की गोत नहीं वेखदा, किसी की उम्र नहीं वेखदा, और किसी की विद्या नहीं वेखदा, किसी की धन दौलत नहीं वेखदा, किसी का नौकरी पेशा नहीं वेखदा। ख्याल सतगुरु जदों भी मानवता से दया करदा, भला करदा, वो एक ही चीज वेखदा, भुख है इन प्रशादा चाहिए, बिना वितकरे दे इन पंग च बिठा के प्रशादा छका दे। सतगुरु वेखदा ये व्यक्ति रोगी है, ते रोगी नू दवाई की लोड़ है, बिना किसी जात गोत पुछिया, बिना पड़ताल कीतिया इस रोगी की दवाई का प्रबंध कर दे। ये व्यक्ति उनिंदरा है, ये सोना चाहता है, ये साढ़े घर आया है, इन बिना किसी वितकर दे भाई मंजा बिस्तरा दे दो ताकि ये आराम के नाल सो सके। दाता जी का वेखते हैं ना दुखिया दर्द बंद दरे आया भी ये दर्द बंद है, गर्जमंद है, जो लोड़बंद है ये दर से आया कि जो लोड़बंद बन के दर से आया उसकी लोड़ पूरी होनी चाहिए, वो कोई भी आ सकता है। ये नानक दे घर सारे आते हैं, तो जे नानक दे घर सारे आते हैं संगत नानक सब दियां लोड़ां पूरियां कर, नानक ने प्रबंधी सिस्टम इदा का बनाया जिहड़ा उस सिस्टम थले आ गया उहदा भला हो गया। तो दाता जी ने वचन किया मालक जी तेरा गुणा का तेरे उपकारा का किसी ने अंत नहीं पाया। फिर बेनती करदे आं कवन योग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तत करिए सिद्ध साधक तेतीस और तेरी कीमना परिए। सिद्ध पुगे हुए साधक साधना करन वाले तेतीस कोर, जे तुसी मनदे हो ना भी तेती करोड़ देवी देवते ने उन्हां ने भी तेरी कीमना भरी है, वो तेती करोड़ा ने किसे सिद्ध ने और किसे साधना करन वाले ने उस मालक का अंत नहीं पाया, उहदा सत्संग अंत पाया नहीं दा किसी भी तरीके नाल, उहदा अंत पाउणा ते दूर दी बात है, उहदी कायनात दा ही अंत नहीं पाया जा सकदा, उहदा अंत पाउणा ते दूर दी बात है। हले मनुखी शरीर दे जिहड़े भेद ने कोई मनुख नू मुकम्मल तौर ते समझ नहीं आए, इहदा जमणा किवें है, इहदा मरना किवें है, बुझारत है, बुझारत है। भावें ठीक है मनुख ने दिमाग ला के जिहनूं आपां विज्ञान कहिंदे आ जां साइंस कहिंदे आ बड़ियां बुझारतां खोलियां ने, पर खले भी बहुत सारियां बुझारतां उन्हां दे वास्ते गुंझला ही ने, बुझारती आ लगे हुए ने कि शायद किसी बुझार का पता लग जाए। दाता जी ने वचन किया ब्रह्मादिक तनकाद शेख गौण अंत ना पाए। ब्रह्मा ने सनक आदक ने शेषनाग ने उहदे उपकारां दा अंत नहीं पाया, उहदे गुणां दा अंत नहीं पाया। अगहो अगो कहिंदे ने अगह, गौ कहिंदे ने पकड़न नूं, अगहो तों पाव जिहड़ा पकड़िया नहीं जा सकदा। मालक ने वचन किया अगहो गयो नहीं जाए पूर शर्म रहो समाए,
ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਅਕੜ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅਪੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਗੁਣ ਨਿਬੜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਲ ਕੀਰਾ। ਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਸਾਰਾ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਪਸਾਰ ਵਿਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਸਾਰਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮੇਟਿਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਾਪ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਰੇ ਉਹ ਪਾਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਏਕੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਣ 'ਚ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੈ ਕਾਟੀ ਸ਼ਿਲਕ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸੇ ਜਨ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਏ। ਸ਼ਿਲਕ ਕਹੀਏ ਰੱਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਿਆਲੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਟੁੱਟੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧਨ ਫਾਹੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਪੋ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਟੋਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੈ ਕਾਟੀ ਸਲਕ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸੇਜਨ ਲੱਗੇ ਭਗਤੇ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਉੱਠ ਗਏ? ਇੱਕ ਨਾ ਨੌਤਲ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਾਧੋ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਆਕਾਰ ਹੀਨ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਧ ਕਰ ਭਜੋ ਜਹ ਵਿਧ ਜਲ ਕੋ ਮੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਮਾਤੇ ਤੜਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਾਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਜਲਾਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜਾਏ ਗਏ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਰੂਪ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ते केत उत सदा मुक्ते ते तो पाव ओ लोग जिन्होंने नानक नू स्पर्श किया, जिन्होंने नानक नू सुनिया, जिन्होंने नानक नू वेखिया, जिन्होंने नानक नू पढ़िया, जिन्होंने नानक नू समझिया। हजूर दी बाणी दा वचन है, गुरु नानक जिन सुनिया वेखिया से फिर गर्भासना भरिया रे। है मूर्ख की केतक बात है, फुट पराधी तरिया रे। तो भाई मेरे मूर्ख ना समझी की गल है, इतने से करोड़ों का ही उधार हो गया। चौड़े उधार होना किवें है, गुरु नू सुनना है, गुरु नू वेखना है। वेखना अखां दे नाल है, सुनना कन्नां दे नाल है, पढ़ना रसना ते जबान दे नाल है, और ध्याना ते वसाउना हिरदे अंदर। दाता जी ने प्रमाण किया, नेत्री सतगुरु देखना सरवनी सुनना गुरनाम, सतगुरु से तीरथ अंदर जय पाई ठाव। दूसरा वचन हजूर दा, रसना गाइए सरवनी सुनिए हिरदे ते आइए सोई। जेड़े ये काम करते ने, हजूर ने प्रमाण किया, हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते। वो इत्थे भी मुक्त हो गए, उत्थे भी मुक्त हो गए। उन्हां दा लोक भी सवर गया, उन्हां दा परलोक भी सुहेला हो गया, और ये काम ज्यौंदे जी हो गया। ते जे चाहुंदे आ ज्यौंदे जी मेरा लोक भी सुखी हो जाए, परलोक भी सुहेला हो जाए, फिर सानू गुरु दे उपदेश नाल जुड़ना पएगा, और उपदेश दी महिमा करदे होए गुरु के कीर्तनीय साडे कन्नीए पावन बोल कबीर साहब जी दे पाए लोग जाने ये गीत है। ये तो ब्रह्म विचार ज्यो कांशी उपदेश होए मान समर्थी बा। कोई गावे को सुने हर नामा चितलाए, कहो कबीर संसार नहीं अंत परमगत पाए। कहते कोई शक नहीं है, उन्होंने उच्च अवस्था मिलनी ही मिलनी है। उन्हों का लोग अते परलोक सुखेला होना ही होना है, जिन्हों ने बाणी नू पढ़ के, बाणी नू सुन के, बाणी नू बुझ के, बाणी नू अपने जीवन का आधार बनाया। दाता जी सारियां ते मेहर करन, असी गुरु की बाणी दे उपदेश नू अपना जीवन आधार बना के अपना जीवन सवारन वाले बन सकीए। कितनियां बेनतियां प्रवान करनियां, भुलां मेरी तोड़ी पा देनियां, उपदेश गुरु भजन हिरदे वसाउणा। बख्शो शीश बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।